हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 इसीलिए है, नाक की नसें पतली, आंख की नसें पतली, कान की नसें पतली, पतरका नसवा कोई बजा देगा बढ़िया से, कभी नाक से खून आएगा, आंख दर्द करेगा, कान दर्द करेगा, माथा दर्द करेगा। वायुमंडलीय दाब किसके कारण पड़ता है? वायुमंडल के विभिन्न परतों के द्वारा, वायुमंडल के विभिन्न परतों के द्वारा। हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी के क्षोभ मंडल में, ये पृथ्वी, हम लोग रहते हैं पृथ्वी के क्षोभ मंडल में, हमारे ऊपर ये पूरी की पूरी वायुमंडलीय दाब लगी हुई है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये पूरा का पूरा वायुमंडलीय दाब है। जब हम किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, जब हम पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं तो पर इस तो जेन्युइन मैटर है कि अगर पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ हवाओं को हम नीचे छोड़ देते हैं, तो जो हवाएं हमें दबाव लगा रही थी उनमें कुछ हवाओं को हमने नीचे छोड़ दिए, तो वो तो अब दबाव नहीं लगा पाएंगी। अब हमारे ऊपर लगाने वाली हवाओं की मात्रा घट गई, तो हमारे ऊपर लगने वाला दबाव क्या हो गया? कम हो गया। तो जब हम पहाड़ पर जाते हैं या हवाई जहाज पर जाते हैं तो हमारे अंदर का ब्लड वाला प्रेशर तो उतना ही रहता है, लेकिन बाहर से लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है। तो क्या ये डिसबैलेंस फील होगा कि नहीं होगा? जिसे हमारे हम लोग प्रकृति को एडॉप्ट कर चुके हैं, हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 इसीलिए है कि वायुमंडल की पांचों परतों के प्रेशर को हम झेल सके। हम लोगों ने हवाई जहाज में बैठ के एक परत छोड़ दिए नीचे, क्षोभ मंडल छोड़ दिए, समताप मंडल छोड़ दिए, क्षोभ मंडल छोड़ दिए और समताप मंडल के ऊपरी भाग में घूमने लगे हम लोग। तो हम लोगों के ऊपर प्रेशर जो हवाओं का था वो बढ़ गया कि घट गया? पहाड़ों पे भी घट गया। तो अंदर से तो धकाधक प्रेशर कौन मार रहा है? ब्लड। और ऊपर से लगने वाला प्रेशर कम हो गया, इसलिए पतली नसों पर इसका प्रभाव पड़ता है। नाक की नसें पतली, आंख की नसें पतली, कान की नसें पतली, इसलिए हवाई जहाज में जाएंगे तो कोनों का आंख दर्द करेगा, किसी का नाक दर्द, किसी का कान दर्द करेगा, किसी का नसवा कमजोर होगा, तो बाहर से लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से तो आधा हिस्सा आप नीचे छोड़ दिए। जो भारी गैसें थी, जो मेन प्रेशर लगाती थी, वो तो नीचे छोड़ दिए। जो गैसें ऊपर, इट मीन्स हल्की हैं, वो आप हवाई जहाज पहाड़ पे जाके मेन जो दबाव लगा था उसको नीचे छोड़ दिए। अब पीछे से आपके ब्लड को कौन सी पता? आप दिल को समझा के गए थे क्या है? देखो दायां नीले और बायां नीले प्रेशर थोड़ा कम मेंटेन करना है, आई एम गोइंग हाइट लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये आपका बात सुनेगा? नहीं सुनेगा, वो तो धकाधक मार रहा है। अरे आप चल गए ऊपर, पतरका नसवा कोई बजा देगा बढ़िया से तो अखिया दर्द करने लगेगा, क्योंकि उसकी नस पतली होती है, कि अंदर से 120 प्रेशर पे आ रहा है और बाहर से हवाओं का प्रेशर रहता था तो आंख एकदम नॉर्मल रहता था, तो अजीब होगा आपको, कान दर्द करने लगेगा, यहाँ पे नाक दर्द करने लगेगा, जिसका नाक कमजोर होगा नकिया का नसवा से ब्लड आने लगेगा, कुछ छोटका छोटका नसवा कट जाएंगे सर तो ब्लड आने लगेगा, पहाड़ पे जाएंगे क्या आने लगे? ब्लड आने लगे। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे का तो ब्लड प्रेशर है, ऊपर से लगने वाला ब्लड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया। यह घटना गर्मी के दिन में भी होती है, आप जमीन पे भी रहिएगा तो हवाएं गर्म होके क्या हो जाती है? ऊपर उठ जाती है, हवाएं गर्म होके ऊपर। अब की बार आप नहीं ऊपर गए हैं, हवा ही ऊपर चली गई है, तो जब हवा ऊपर चल जाती है तो बाहर का प्रेशर कम होने लगता है और हमारा ब्लड ढके ढकेल देता है, तो कभी नाक से खून आएगा, आंख दर्द करेगा, कान दर्द करेगा, माथा दर्द करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हवाई जहाज में ना बहुत सारे लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होने लगता है, तो उनको पता भी नहीं चलता, कोई जरूरी नहीं कि आपको नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। तो बड़ा हवाई जहाज का सफर किया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि ससुर दर्द करने लगेगा। समझ में आ गया? वो मैं डॉक्टर घूम रहा है, हॉस्पिटल लेके घूमो। तो कभी कभी क्या होने लगता है? दर्द करने लगता है, आदमी गर्म पानी पीने लगता है। क्या पीता है? गर्म, हल्का सा गर्म पानी पिएंगे तो ब्रेन इधर उधर डिस्टर्ब रहेगा, अरे यार ये क्या चीज आ गया, बॉडी टेम्परेचर है, गर्म पानी है, हमेशा ये ठंडा पीता था। थोड़ा बहुत आपको क्या रहेगा? बैलेंस रहेगा। दिक्कत कब होता है? छोटका लीक वन को, वो बेचारा सबका कुल नसवे पतला है, हम लोग का तो खाली आंख नाक कान का नसवा पतला है, और जो छोट साइज का होता है सब अखिया बंद करके रोता है सब, इन ससुरन का हर नसवे छोटा होता है। और चढ़ गया जहाज में ना, तो जो समझदार माँ होती है, पढ़ी लिखी होती है, वो उसको पहले से पता रखती है कि जहाज में चढ़ने से 4 घंटा पहले उसको सोना ही नहीं देगी, ताकि जहजिया में चढ़ते सूझ जाए ओके, जगैले रहेगी आप, और कुछ फेवरेट खाना रखी रहेगी, खा पी के सूझ जाए वहां पे। खाने में जैसे आप चावल खा लेंगे तो नींद अच्छा आएगा,
वैसे ही खाना पीना उनको खिला के पहले जहाज में चढ़ने से पहले सुतने नहीं देगी, कैसे जाते हो जहाज में दूसरे को नहीं सोने देगा तुम। और उसको फिर बढ़िया बढ़िया खाना वाना खिला के टंटना के सो दिया, लड़का सो गया, जहां तनी सा दर्द करेगा तो धप 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 पीट के सुला देगी।